देवताओं के तत्व और भी तीव्र वेग से उनसे विलग होकर त्रिपुर जा रही है। यही है वास्तविक आनंद, ये नृत्य, ये संगीत, ये मदिरा। दिव्य पुरुष ने उचित कहा था, जीवन सार्थक तो अब हुआ है। ये सत्य है कि मंदिर से बड़ी है ये मदिरा, ये आनंद। अब त्रिपुर में ये आनंद उत्सव नहीं रुकना चाहिए। लाओ और मदिरा लाओ। राताश्री, ये काली छाया कैसी है जो त्रिपुर को ग्रसने का दुस्साहस कर रही है? जो भी है हमारे समक्ष आओ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। राहु, राहु तुम व्यर्थ आए हो यहाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्रहण सूर्य या चंद्र पर चल सकता है, हमारे त्रिपुरासुर में नहीं। ग्रहण तो लगने वाला है तुम्हारे राज्य पर, महादेव के क्रोध का ग्रहण, क्योंकि अब वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर तुम्हारा विनाश करने के लिए निकल चुके हैं। और ये मत भूलो, त्रिपुर भी अब एक सीधी रेखा में आने वाला है। तुम्हें वो वरदान तो स्मरण है ना, जब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो, और जब शिवजी अपने एक ही बाण से हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें, प्रभु मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव। बस यही स्मरण कराने और सचेत करने आया हूं तुम्हें मैं कि तुम्हारा विनाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय असुरो, यदि किसी उपाय से अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत कम समय शेष है तुम्हारे पास। उचित कहा तुमने राहु, समय शेष नहीं है, परंतु असुरों के विनाश के लिए नहीं, हमारी शक्ति और सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए। गुरु शुक्राचार्य और त्रिपुर राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए है। राहु, जो तुम समाचार लाए हो उससे कहीं अधिक भयावह दृश्य नहीं है ये। प्रभु महादेव हमारे विरुद्ध खड़े हैं, किंतु हम तो वर्षों से इस गुप्त असुर सेना का निर्माण कर रहे हैं। किंतु क्या ये सेना महादेव और उनके पुत्र गणेश को रोकने में सक्षम होगी? श्री गणेश यहाँ आकर भले ही सब कुछ ज्ञात कर चले गए हो और जाकर महादेव को भी बता दिया हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी असुर सेना अभी भी अदृश्य है। अब स्वयं महादेव देखेंगे कि कैसे असुर विनाश करने में सक्षम है। समस्त संसार में अच्छाई का नाश कर असुर सेना अपने अनुसार नवीन सृजन करेगी। ओम झूम हम स्वाहा।
देखता हूं हमारी असुरी सेना से संसार की रक्षा कौन करता है। अब हमारी असुर सेना जीवित होने के लिए तत्पर है। सफल हो गया मैं, पूर्ण हुआ यज्ञ। अब मुझे इस यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तत्वों की ऊर्जा चाहिए मुझे। तुम्हारे एक आदेश पर ये सेना विनाश करने को तत्पर हो जाएगी। मैंने अपना कार्य कर दिया, अब तुम त्रिपुरासुर अपना कर्तव्य निभाओ। हर हर महादेव। असुरों और देवताओं के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा महासंग्राम जहां विजय अवश्य असुरों के ही होगी। सृष्टि का नवीन इतिहास रचेंगे हम असुर। महादेव हमारा विनाश करने बढ़ रहे हैं, किंतु हम भी उनके बाण का उचित उत्तर देंगे। हमारे महा असुर बाण से, हमारे महा असुर बाण से। त्रिपुर असुर योद्धा उठो और भयानक सर्वनाशक बाण की आकृति लेकर नष्ट भ्रष्ट कर दो उस बाण को जो बाण ही नहीं है, उस धनुष को जो धनुष नहीं है, उस रथ को तो रथ ही नहीं है। नष्ट भ्रष्ट कर दो महादेव के रथ को। जाओ जाओ जाओ।
तो प्रभु महादेव के रथ पर असुरी शक्ति का महाबाण चलाकर इन ढोंगी असुरों ने अपनी धृष्टता का परिचय तो दे ही थी। उस असुर बाण का तो शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। प्रभु महादेव, ये असुर बाण हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा है और आप विष्णु बाण मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं और साधे हुए बाण को हटाकर दूसरा बाण लगाना आधार्मिक होगा। अपनी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर ने ऐसा उपाय किया है जिससे हम सब फंस गए हैं। यदि हम शक्ति से संपन्न होते तो अवश्य महादेव का साथ देने के लिए इस युद्ध में भाग लेते। अब क्या करेंगे महादेव, क्या करेंगे? विश्वास है मुझे, पिताश्री विष्णु अग्निबाण का प्रयोग कर अपनी रक्षा नहीं करेंगे, उससे तो वो मात्र त्रिपुर पर ही वार करेंगे। मुझे अभी कुछ करना होगा। बस अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है महादेव का रथ, जिसके बाद सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हम। माँ, मुझे पिताश्री की सहायता करने जाने की अनुमति दीजिए। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। दीजिए माँ। प्रणाम माँ। चलिए मूषक जी। चलिए प्रभु। इस असुर बाण को मैं त्रिपुर को ध्वस्त करने के अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दूंगा। जब तक त्रिपुर एक सीधी रेखा में ना जाए, मुझे विष्णु बाण को इसी प्रकार यथास्थित रखना होगा। कहीं त्रिपुर के सीधी रेखा में आने के पूर्व ही ये असुर बाण हमारे इस रथ से टकरा गया तो सर्वनाश हो जाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य हमारी सफलता देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। सुरक्षित रहेंगे त्रिपुर, नाश होगा महादेव के रथ का और प्रारंभ होगा कभी ना नष्ट होने वाला असुर साम्राज्य। मैं सफल हुआ। Ha 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 ha
मूषक जी, यही उचित समय है। समय के रहते श्री गणेश जी वहां पहुंच भी गए तो विशाल काय आसुर अस्त्र का सामना कैसे करेंगे? सत्य वचन, अपने पिता की सुरक्षा हेतु कहीं गजानन स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे? ऐसा संकट जिससे निकलना स्वयं के लिए असंभव हो? नारायण नारायण। अपना आकार कितना भी बढ़ा ले गणेश, हमारे अपराजय अस्त्र से टकराकर यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। बाण ऐसे झेल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना। अब क्या करूं मैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश की जय। अनर्थ, घोर अनर्थ, गणेश ने तो मेरा ये प्रयास भी विफल कर दिया। त्रिपुर सीधी रेखा में आ रहे हैं, अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनके नष्ट होने का समय आ गया है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ शिवपुत्र गणेश, तेरी अजय असुर सेना शेष है अभी। एक ओर का वार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेर कर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। महादेव का रथ नष्ट होकर ही रहेगा। असुर सेना तो अत्यंत भयंकर, महादेव और प्रथम पूज्य गणेश चारों दिशाओं से आने वाले इन संकट को कैसे रोक पाएंगे? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विनाश यदि आज होगा तो देवताओं का और अन्य जीवों का, क्योंकि इससे पूर्व ये सभी त्रिपुर एक सीधी रेखा में आए, हमारी ये सेना महादेव के रथ को ध्वस्त कर देंगी। सत्य एकाकी भी हो तो भी सोच ऊपर भारी पड़ता है, धर्म परीक्षा लेता है कभी साथ नहीं छोड़ता, ये दोनों जिसके साथ हैं वो कभी पराजित नहीं होता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।